लास्ट लेक्चर में हमने होप्स आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा एलिगेशन हुआ करते थे इसलिए आते हैं पेपर में ये सब कितने 4 मार्क्स के लाते हैं पेपर में स्टेटमेंट क्या दिया है प्रूव दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देखो यहाँ पे कौन सा फिगर क्या है क्वाड्रिलैटरल है फिगर क्या है क्वाड्रिलैटरल है क्वाड्रिलैटरल है क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम होना चाहिए प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर अच्छा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेगा बाइसेक्ट का मतलब क्या कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पार्ट में डिवाइड कर रहा है ठीक है इसका मतलब डायगोनल जो होगा ना स्टूडेंट वो क्या होगा मिड पॉइंट होगा और अगर डायगोनल मिड पॉइंट है इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है ना क्वाड्रिलैटरल क्या है पैरेललोग्राम होगा कब जब उसके डायगोनल क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को ठीक है तो पहले हमने यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल दिया है तो हम एक इमेजिनरी यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और ऐसे डॉटेड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे एक मिनट एक मैंने इमेजिनरी इमेजिनरी डायग्राम ड्रॉ किया है इसीलिए इसको मैंने ऐसे मतलब डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है इमेजिनरी लाइन के अंदर यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल की जगह पैरेललोग्राम ही कंसीडर करो क्योंकि वही प्रूफ करना है ठीक है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमने कंसीडर किया ए और ये पॉइंट बी देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है हमने डायग्राम जो है वो पैरेललोग्राम का बनाया है इसलिए इसको हमने जो है वो इमेजिनरी मतलब ये बॉक्स के अंदर रखा है ए बी सी और ये कौन है डी तो पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं ए बी सी डी ये क्या है मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं या फिर क्वाड्रिलैटरल के हैं ठीक है अच्छा इसके बाद में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल मतलब कैसे ये ऐसे हो जाएगा और ये डायगोनल के लिए ये ऐसे हो जाएगा ठीक है बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा दोनों के इक्वल हो मतलब बाइसेक्ट कर रहा है ना मतलब जितना लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका होगा और इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा ठीक है तो पहले ये बता देता हूं मैं क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है क्वाड्रिलैटरल क्या है ए बी सी डी है और प्रूफ क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा कब होगा जब उसके डायगोनल क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को ठीक है तो अब हम लोग पहले ये लिखते हैं पोजीशन वेक्टर बी बार सी बार डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स एम को बाद में डिफाइन करते हैं ठीक है बी द पोजीशन वेक्टर्स बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी तो पहले कंसीडर किया स्टूडेंट यहाँ पे ए बार बी बार सी बार डी बार ये क्या है पोजीशन वेक्टर्स सी डी का और कौन पैरेललोग्राम इसे इसे ये मतलब होता है कि हमने पहले कंसीडर किया है अच्छा अब ये बताओ इसमें अब अगर ये इशू हो सकता है ठीक है तो पहले पैरेललोग्राम अगर होगा ये तो अगर पैरेललोग्राम कब होगा जब इसका मिड पॉइंट इक्वल आएगा
अगर पैरलोग्राम है तो इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या आना चाहिए, क्योंकि देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर हमने कैसे भी प्रूफ कर दिया कि जो इसका मिड पॉइंट है वो इक्वल है, मतलब जो इसका मिड पॉइंट है वो दोनों साइड से क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा तो अब हम कंसीडर करते हैं कोई भी दो साइड इक्वल कंसीडर कर लो, कोई भी साइड हमने कंसीडर ये, तो ए बी का जो लेंथ बीसी का जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कंसीडर करो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल होगा किसके, लेंथ ऑफ बीसी के। देखो जब इसका लेंथ इक्वल है मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, जब इसका लेंथ इक्वल है इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। और अगर जब यहाँ पे पैरेललोग्राम में और क्या होता है इसका मतलब, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल होगा किसके, डीसी के। देखो प्रूफ क्या करना है ना कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, तब जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, तो हम पहले से ही मान लिया कि ये पैरेललोग्राम है और उसका जो डायगोनल है ना वो यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। पहले हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड लेके ये प्रूफ कर रहे हैं कि उसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा डायगोनल में साथ में कौन है, ए और सी साथ में है और डी और बी साथ में है। तो अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बार जब इसके लेंथ इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, ए बी बार इक्वल्स टू क्या होगा, डी सी बार, ठीक है। अब उसके बाद में ए बी बार को हम क्या लिखेंगे, ए बी बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बार माइनस ए बार, और डी सी बार को क्या लिखोगे, सी बार माइनस डी बार। तो यहाँ पे देखोगे कौन कौन साथ में है, ए और सी साथ में डायगोनल में और डी और बी साथ में है, तो हमने ए और सी को साथ में रखना है, सी ए डायगोनल है और बी बी डायगोनल है, तो सी और ए को साथ में रखो, तो बी बार हमने वैसे रखा है, माइनस डी बार है वो साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस डी बार, और ये सी बार प्लस ए बार, ठीक है। अच्छा एम क्या है, मिड पॉइंट है, एम किसका मिड पॉइंट है, एसी का, एसी का मिड पॉइंट है, और एम किसका मिड पॉइंट है, डीबी का मिड पॉइंट है। बट हमें पता है कि अगर एम मिड पॉइंट होगा एसी का तो ए बार और सी बार को प्लस करके डिवाइड बाय क्या करोगे, टू, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए जो होता है वो डिवाइड बाय टू होना चाहिए, तो ए बार को प्लस करोगे सी बार को प्लस करोगे डिवाइड बाय टू करेंगे तो वो कौन हो जाएगा, एम आ जाएगा। अब डी बार को प्लस करो और बी बार को प्लस करो डिवाइड बाय टू करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी बार प्लस डी बार है, सी बार प्लस ए बार है, बट डिवाइड बाय टू नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या अरेंज करोगे, टू अरेंज करोगे, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, बी बार प्लस डी बार अपॉन टू इक्वल्स टू सी बार प्लस ए बार अपॉन टू। अच्छा ये किसका मिड पॉइंट है, बी बार प्लस डी बार अपॉन, तो ये किसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो यहां पे लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी इक्वल है किसके, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी। तो यहां पे क्या बोला गया था, प्रूफ दैट क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, जब उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल इक्वल होंगे, इसका मतलब डायगोनल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने पहले से ही कंसीडर किया ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पहले से ही कंसीडर किया ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल हमने प्रूफ कर दिया इक्वल आ रहा है। देखो जब इसका डायगोनल का इक्वल है इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया था वो क्या है, करेंगे इसमें कैसा था कि पैरेललोग्राम कंसीडर किया ना हमने, अब दूसरा जो है कन्वर्स में उसमें क्या कंसीडर करेंगे कि अब डायगोनल इक्वल है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब ये जो भी मिड पॉइंट है दोनों का क्या सेम है, देयरफॉर एसी और बीडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, एक है ना, देयरफॉर
सर पैरेललोग्राम तो हम लोग को प्रूफ करना है, तो आपने वो पैरेलल डायरेक्ट कैसे लिख दिया? हाँ तो मैं वही बताया ना कि पहले हमें हमें यहाँ पे दो कन्वर्स हो जा रहा है ना, कन्वर्स हो जा रहा है मतलब कैसा, दो वे से हो रहा है। हमने जो पहले प्रूफ कर रहा था, देखो हमें क्या प्रूफ करना था, पैरेललोग्राम होना चाहिए ठीक है। पैरेललोग्राम कब होगा, जब उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ठीक है। तो हमने पहले ये कंसिडर किया कि ये पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पैरेललोग्राम पहले से ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। इसका कन्वर्स भी मैं बताने वाला हूँ कि मिड पॉइंट से कैसे प्रूव करने का। इसका मतलब देखो, अगर ये हमने अजम्पशन जो किया है, ये अज्यूम जो हमने किया है, अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग होता तो ये डायगोनल के मिड पॉइंट इक्वल नहीं आते थे। इसका मतलब पहले से ही पैरेललोग्राम हमने कंसिडर किया और इसके बाद में ये प्रूफ किया कि डायगोनल क्या है अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जब डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। हमने सिर्फ पैरेललोग्राम कंसिडर किया है और उससे हमने ये कंडीशन वेरीफाई किया है, और कन्वर्स में क्या करेंगे, ये कंडीशन लेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। देखो अगर ना बाइसेक्ट करता ही नहीं तो ये पैरेललोग्राम होता ही नहीं ठीक है। तो पहले हमने पैरेललोग्राम लिया, उसका दो साइड इक्वल कंसिडर कर लिया, दो साइड इक्वल जब हो गए तो उसका जो हम डायगोनल है वो इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वो फिगर पहले मतलब क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है ना, मतलब हमने अज्यूम किया है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका कन्वर्स भी आएगा ना, इसलिए समझ जाएगा फिर अच्छे से। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल, हाँ बराबर बराबर, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसका जो कन्वर्स होगा, यहाँ पे क्या बोला है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तब ये पैरेललोग्राम होगा। तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों डायगोनल होंगे प्लस करके, दोनों का डायगोनल अगर देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब दोनों का डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल है। तो एसी के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट ए बार प्लस सी बार अपॉन टू, और बीडी के लिए क्या हो जाएगा, बीडी के लिए बी बार प्लस डी बार अपॉन टू। इसके पहले हमने मतलब पैरेललोग्राम का साइड इक्वल कंसिडर किया था, अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, मिड पॉइंट जो है डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब कन्वर्स है तो इसका अपोजिट सॉल्व कर, रिवर्स ऑर्डर, टू टू के आंसर हो जाएगा ए बार प्लस सी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस डी बार। अब देखो साइड कौन बने, ए और बी है और डी और सी है, तो ए बी को साथ में रखो तो क्या होगा, सी बार माइनस डी बार, और ये क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। अच्छा सी माइनस डी को क्या लिखोगे, जैसे हम ए बी बार को बी बार माइनस ए बार, तो अगर इसको हमें ऐसे लिखना होगा जो पहले मतलब जो बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसमें कैसे लिखोगे, सी बार माइनस डी बार को बी सी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बार। देख रहे हो जब मिड पॉइंट इक्वल है मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका साइड हमने प्रूफ किया इक्वल है, जब साइड इक्वल है इसका मतलब इसका लेंथ भी इक्वल है, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्या प्रूफ करना था, क्वाड्रिलैटरल क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, कब, जब उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। तो हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया बी ए सी डी, हाँ कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो, बी ए सी डी भी प्रूफ कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो ना, यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मैंने जो कंसिडर किया वही कर सकते हो, कोई भी साइड प्रूफ कर सकते हो आप लोग। तो क्वाड्रिलैटरल होगा कब, जब उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो हमने पहले क्या कंसिडर किया, पैरेललोग्राम है, तो अगर पैरेललोग्राम तभी होगा जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये कंसिडर किया कि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम अगर होगा तो ये जरूर कंडीशन वेरीफाई होगा ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो इसका दो साइड इक्वल हो गया, अब दो साइड इक्वल हो गया तो बी बार माइनस ए बार सी बार माइनस डी बार, तो बी और डी साथ में, सी और ए साथ में, क्योंकि बी डी डायगोनल है और ए सी डायगोनल है ठीक है।
तो डिवाइड बाय टू क्यों किया, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए, तो जब दोनों का डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि टेक्स्टबुक में सॉरी स्टेटमेंट में क्लियर बताया गया है डायगोनल जब बाइसेक्ट करेंगे तभी वो पैरेललोग्राम होगा, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये उसका कन्वर्स था, मतलब मिड पॉइंट पहले से इक्वल है और हमने साइड इक्वल प्रूफ किया। कुछ डाउट है क्या इसमें, देखो पूछ लो। ओके नेक्स्ट सर मैम। अच्छा हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे क्या? हाँ। यहाँ पे हाँ बोलो बोलो सर। यहाँ पे जो यहाँ पे टू आना चाहिए, आपने थ्री लिखा है कहाँ पे? नीचे ये सर, नीचे लास्ट में एकदम सर। यहाँ पे थ्री कैसे आया? टू आना चाहिए ना। कहाँ पे ये? यस सर। ये तो देखो ना 15 और 5 डिवाइड हो जाएंगे, तो 15 अपॉन 5 मतलब वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 5 अपॉन 5 कैंसिल होके बना जाएगा, ये समझे? अच्छा दोनों का अपॉन 5 है ना सर? हाँ बराबर, ये देखो दोनों का अपॉन 5 है, 15 ए अपॉन 5 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो 5 बाय 5 तो 15 3 से हो जाएगा और 5 5 से हो जाएगा, ठीक है सॉरी 5 1 से 5 हो जाएगा। हमें ये प्रूफ ही करना था ना, ये देखो सी के लिए कि चाहे 3 ए बार माइनस बी बार आना चाहिए, तो ये 3 ए बार माइनस बी बार। चलो अच्छा है, डाउट है तो सर सर शीट क्वेश्चन ओपन कर दो जरा। हाँ हाँ फिक्स ना। हाँ बोलो सर। इसमें भी वैसा बोला है प्रूफ दैट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये तो नहीं बोला है ना, रेक्टेंगल है कुछ अपन चाहो ट्रेपेजियम हुआ तो। हाँ तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही कंसीडर करना है, क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करना है, क्वाड्रिलेटरल तो जिसके फोर साइड्स होते हैं वही कंसीडर करना है। हाँ तो सर अगर ट्रेपेजियम कंसीडर किया तो कैसे पैरेलल होगा? ट्रेपेजियम देखो हमें प्रूफ क्या करना है, पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब ट्रेपेजियम के लिए जो आप कंसीडर करोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ट्रेपेजियम के लिए ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा और फिर मिड पॉइंट ऐसा रहेगा ना, मतलब ये ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ बनेगा वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये ऐसे मतलब ये जो रहता है ना ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है और यहाँ पे कॉ गया है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ये भी बनाते हो तो, बट हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसका साइड जो है वो इक्वल आएगा, कोई भी फिगर होने दो कोई भी फिगर होने दो। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल है जिसका फोर वर्टेक्स होता है उसके साइड अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा अपोजिट साइड। लेकिन सर अगर ट्रेपेजियम हुआ तो प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बट ट्रेपेजियम कंसीडर क्यों करोगे जब हमें उसमें बोला गया है कि स्टेटमेंट में बोला ही गया है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इतना मतलब ट्रेपेजियम क्यों अज्यूम कर रहे हो? और ट्रेपेजियम करने का कुछ कंसीडर करने का कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं बनेगा ना, हम ऐसा शेप कंसीडर मतलब क्वाड्रिलेटरल ही कंसीडर करेंगे जो कि यहाँ पे मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप ट्रेपेजियम से भी देखो कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम है, आप ट्रेपेजियम जो है वो ऐसे शेप में होता है, ट्रेपेजियम जो है ये देखो ऐसे शेप में हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे ओपन रहता है, ये ऐसे शेप में हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम जैसे ये देखो ये ऐसे बनेगा, ये देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ट्रेपेजियम ऐसे ही होता है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा ऊपर ये ऐसा रहता है और फिर मतलब थोड़ा बोट टाइप में रहता है, बोट टाइप में। अब इसके उसके ऊपर अभी एक सम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रेपेजियम भी। तो ये अब जैसे इसका फोर वर्टेक्स हो गया, अब ये जो मिड पॉइंट मतलब इसको जो इसका जो मिड पॉइंट है और ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम वैसे तो हम लोग ऐसे भी नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज कैसा हो जाता है कि क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए जो अपोजिट साइड से वो तो पैरेलल होंगे ही। अब ये जो ट्रेपेजियम आपका है, ट्रेपेजियम का इसका दो साइड ही पैरेलल होता है, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होता है, तो हमें ट्रेपेजियम फिगर कंसीडर नहीं मतलब कर पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पे
ट्रेपेजियम कंसीडर करोगे तो इसका क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या दो साइड इसका क्या होता है जो पैरेलल होता है और दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं। अभी इसके मतलब ट्रेपेजियम के ऊपर जो है वो हमारा नेक्स्ट सम है। और ऐसे कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो। हैं एक मिनट मैं क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट सम है प्रूव दैट द मीडियम ऑफ अ ट्रेपेजियम is parallel to the median of a trapezium is a parallel to the parallel sides of the trapezium and its length is half the sum of parallel sides. क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं पहले क्या दिया है। क्या बोला है प्रूव दैट मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखो मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम मीडियन है इसका ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है दो साइड जो है ना वो पैरेलल होते हैं। दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और दो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है अच्छा आगे क्या दिया है मीडियम पैरेलल होगा किसके पैरेलल साइड्स के। मीडियम जो है वो पैरेलल होगा किसके पैरेलल साइड्स के। ये एक पार्ट हो गया प्रूफ करने का। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं टू क्या क्या प्रूफ करना है ये लिखना नहीं आप पेपर में। मीडियम जो है वो पैरेलल है किसके पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। फर्स्ट पार्ट ये करना है कि मीडियम जो है वो पैरेलल होगा किसके पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। हमें ये प्रूफ करना है कि जो मीडियम है वो पैरेलल है। अच्छा पैरेलल का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होगा पैरेलल मतलब क्या या तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है कोलिनियर याद होगा तब समझेगा क्योंकि मैंने बताया था या तो पैरेलल होंगे या फिर एक ही लाइन पे होते हैं तब वो क्या होता है कोलिनियर होता है। और उसके लिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया था रेशियोस जो होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट के रेशियोस जो भी सॉरी आई जे और के का जो कोएफिशिएंट होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है एंड इट्स लेंथ is half the sum of parallel sides। मतलब जो मीडियम का लेंथ है ना वो हाफ है। मीडियम का लेंथ क्या है हाफ। हाफ मतलब क्या डिवाइड बाय टू। अच्छा सम ऑफ क्या बोला है पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये दो पार्ट हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या था एक फिगर था ट्रेपेजियम जिसका मीडियम जो है ना वो पैरेलल है किसके पैरेलल साइड्स के और ट्रेपेजियम का जो लेंथ है ना सॉरी इसका जो लेंथ है वो क्या है हाफ है किसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स का। तो ये दो पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें ये ट्रेपेजियम का फिगर से। ठीक है ये ट्रेपेजियम हो गया जिसका यहाँ पे वर्टाइसेस यहाँ पे ए बी सी और डी है। अच्छा इसका पैरेलल साइड कौन कौन सा है ए बी पैरेलल साइड है और डी सी पैरेलल साइड है। ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल साइड्स है तो मीडियम भी क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। अगर मीडियम है तो मीडियम कहाँ होगा बताओ। मीडियम जो है मीडियम को हम ऐसा नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि अगर मीडियम ऐसा ड्रॉ करोगे
तो ये पैरेलल साइड के पैरेलल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर नहीं मतलब वो फिर ऐसे इंटरसेक्ट होके जाएगा। तो ये जो मीडियन है उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, मीडियन को हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, हाँ ये प्रूफ करना है कि जो मीडियन है वो भी पैरेलल साइड के पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे ये मीडियन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मीडियन हो गया, उसका नाम समझ लो हमने लिख रख दिया डी। अच्छा डी तो हो गया ना, ई और एफ, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम था जिसका वर्टेक्स ए बी सी डी था, और इसके बाद में पैरेलल साइड ए बी और डी सी है, और मीडियम यहाँ पे क्या है, ई एफ है, और ई किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, और बी सॉरी एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो हम अब क्या करेंगे ना, जितना भी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखते हैं लेट लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम, लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम विथ साइड विथ साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे हमने ये लिखा स्टूडेंट कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, और कौन सी साइड ए बी पैरेलल है किसके, साइड डी सी के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये लिखा कि ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेजियम का मतलब ट्रेपेजियम है, और ए बी पैरेलल किसके, डीसी के। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं ई और एफ क्या है। लेट ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा इसके बाद में ई किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, और एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। ई एफ क्या है, मीडियन है किसका, ट्रेपेजियम का। देयरफॉर ई एफ इज द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये सब फोर मार्क्स जित फोर मार्क्स के मैं जो मीडियन है वो पैरेलल, और इसके बाद में मीडियन जो है वो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का हाफ होगा, तो ठीक है। तो हमने पहले ये लिखा ट्रेपेजियम है, साइड ए बी पैरेलल है साइड डीसी से, ई और एफ किसका मिड पॉइंट है वो डिफाइन किया, ई एफ क्या है, मीडियन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अब इन सब का पहले पोजिशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एंड एफ बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने पहले ये सब पोजिशन वेक्टर अब यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे दो साइड क्या दिया है, पैरेलल दिया है, दो साइड क्या दिया है, पैरेलल दिया है, पैरेलल किसके, डीसी के, हियर ए बी इज पैरेलल टू डीसी। अच्छा जब पैरेलल होता है तो कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आता है, अगर जब दो वेक्टर्स जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आता है। जैसे समझ लो अगर ए बार पैरेलल है बी बार के, तो ए बार अगर पैरेलल है बी बार के तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है। जैसे समझ लो के टाइम्स ऑफ बी बार, दोनों वेक्टर्स इक्वल है, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है, तो या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या फिर उसके रेशियोस प्रोपोर्शन होना चाहिए, बट कुछ दिया नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे ऐसे कंसिडर करेंगे ए बी बार जो है पैरेलल है डीसी बार के, तो दोनों इक्वल होंगे बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने एम कंसीडर कर लिया, अगर एम क्या है यहाँ पे स्केलर है, समझ लो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है।
इसके बाद में ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं। देखो ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो ई एफ से हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी बार इक्वल्स टू क्या मिला, एम इंटू डी सी बार मिल गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, कुछ डाउट होगा तो रोक के पूछना है। ई बार के लिए ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो पहले इतना जो है, ये सब इतना स्टेटमेंट जो हमने लिखा है, इसमें हमने सिर्फ डायग्राम को डिफाइन किया है, क्या क्या है क्या नहीं है। अब इसमें दो साइड पैरेलल थे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब तक कितना हुआ। अब मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और हमें मीडियम का ही प्रूफ करना है ना, तो मीडियम ई एफ को सॉल्व करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ई बार क्या हो जाएगा, ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाय टू। F बार क्या हो जाएगा, D बार प्लस C बार अपॉन टू, ठीक है। E बार हो गया, F बार हो गया। अब उसके बाद में अब EF को अगर हम कंसिडर करते हैं, मीडियम को प्रूफ करना था ना, तो EF बार इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मीडियम है ना ये, F बार माइनस E बार, F बार माइनस E बार। तो एफ बार का जो वैल्यू है वो क्या है, बी बार प्लस सी बार अपॉन टू, और ई बार का ए बार प्लस डी बार अपॉन टू। हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एफ बार के लिए बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय टू माइनस ई बार के लिए ए बार प्लस डी बार अपॉन टू, ठीक है। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे हम लोग, जब ओपन करोगे तो दोनों का बेस तो सेम है, दोनों का बेस क्या है टू है, दोनों का बेस क्या है टू है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये बी बार प्लस सी बार, ये माइनस ए बार माइनस डी बार अपॉन क्या होगा टू, ठीक है, इतना समझा। अच्छा ये देखो ध्यान से, इसमें ना ए और बी साथ में है और डी और सी साथ में है, पैरेलल साइड कौन सा है, ए बी और डी सी है, तो ए और बी को साथ रखना है और डी और सी को साथ रखना है। तो हम ए और बी को साथ रखेंगे, तो बी बार माइनस ए बार एक हो गया। हाँ बोलो सर, हाँ बोलो। सेकंड स्टेप इसको समझा नहीं, कौन सा ये वाला, नहीं मतलब नहीं सर, इधर ये वाला, हाँ यस सर। एफ बार का वैल्यू क्या था वो सब्स्टिट्यूट किया हमने, ई बार का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज पुट किए। E बार के लिए A बार प्लस D बार अपॉन टू है, F बार के लिए B बार प्लस C बार अपॉन टू है। तो ये वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ओके सर, हाँ यहाँ पे क्या है, हाँ B बार और A बार साथ में और C बार माइनस D बार साथ में, अपॉन क्या है टू है दोनों के, तो हम लोग स्प्लिट कर दिए, टू यहाँ पे भी टू यहाँ पे भी, ठीक है। तो B बार माइनस A बार को क्या लिख सकते हो, ए बी बार, अच्छा सी बार माइनस डी बार को क्या लिख सकते हैं, डी सी बार, और दोनों के डिवाइड में क्या है टू है, ठीक है। अच्छा ए बी बार की जगह पे, ए बी बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी बार की जगह पे हम लोग एम इंटू डी सी बार लिख सकते हैं, ए बी बार पैरेलल था डी सी के, इसलिए ए बी बार की जगह क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी सी बार। तो हम क्या करेंगे, इसको ना एक काम करो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी बार प्लस डी सी बार, दोनों का बेस इक्वल है तो टू, ये हम लोग ठीक है स्टार मार्क इसको कर दिए। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, ए बी बार जो है वो इक्वल है एम इंटू डी सी बार प्लस डी सी बार अपॉन क्या है टू है। अच्छा ये कौन था, ई एफ था। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है न्यूमरेटर में, डी सी बार, तो फर्स्ट में एम बचेगा सेकंड में वन बचेगा, और यहाँ पे बाहर डीसी बार अपॉन क्या हो जाएगा टू। अच्छा ये देख रहे हो दो वेक्टर इक्वल है, एक वेक्टर ई एफ है एक वेक्टर ई एफ है और दूसरा वेक्टर डीसी है, और ये जो एम प्लस वन अपॉन टू है, एम पहले से ही स्केलार था, वन और वन अपॉन टू ये भी क्या स्केलार ही है, मतलब ये पूरा टर्म्स क्या स्केलार है सर।
हाँ, मुझे इसके ऊपर बात नहीं समझा, ये डीसी एमडीसी कैसे आया? ये यहाँ पता है ना फर्स्ट इक्वेशन से ए बी बार का वैल्यू क्या था, एम इंटू डीसी बार, ए बी बार एम इंटू डीसी बार, तो इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे लिख दो ये तो फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके सर। अच्छा देख रहे हो ये पैरेलल साइड जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पैरेलल साइड है ना ई एफ, मतलब मीडियन जो है, वो मीडियन जो है वो इसके ये वेक्टर के इक्वल है, और ये स्केलर है मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है मतलब ई एफ पैरेलल है किसके, डीसी के, देयरफॉर ई एफ बार इज पैरेलल टू डीसी बार, इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गया ना, मीडियन पैरेलल है इसके, अगर मीडियन देखो डीसी और ई एफ पैरेलल है, ए बी और डीसी पहले से ही पैरेलल था, तो जब ए बी और डीसी पैरेलल है और ई एफ डीसी के पैरेलल है, तो ये ई एफ भी क्या हो जाएगा, दोनों के पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई एफ इज अ पैरेलल टू डीसी बार, और क्या लिखोगे, since DC bar is parallel to AB bar, therefore EF bar is also parallel to AB bar, hence proof. ये first part हो गया student, क्या proof करना था, जो median है वो parallel होगा किसके, but देखो ये step नहीं, हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या था, मीडियन जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन टू। अच्छा सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है बताओ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा बताओ, क्वेश्चन नहीं समझा आप लोगों को, ए बी प्लस ई एफ प्लस डीसी, बट नहीं ई एफ नहीं होगा ना मोहम्मद, क्योंकि देखो मीडियम को ही प्रूफ करना है ना, मीडियम को प्रूफ करना है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो अगर मीडियम यहाँ पे भी होगा ई एफ होगा और यहाँ पे भी ई एफ होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ एक ही जगह। हाँ हाँ सर, टाइमिंग फॉर लेक्चर एंडेड, सेंड अनदर लिंक। ओके ओके सर, ओके।